नमस्कार, मैं अश्वानी। नॉनस्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्वंतरि जयंती और आयुर्वेद दिवस पर 12,850 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए और इंटर्नशिप योजना की जानकारी दी। मोदी ने लखपति दीदी योजना से महिलाओं को रोजगार देने की उपलब्धियों पर भी चर्चा की। जूनागढ़ और गिर सोमनाथ जिलों में शेरों की बढ़ती संख्या से गांव में शेरों का आगमन हो रहा है। हाल में धारी तालुका के गलधरा खोडियार मंदिर में शेरनी देखी गई। वन विभाग ने लोगों से वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की अपील की है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दीपावली मनाई जाएगी जिसमें रंगों का उपयोग नहीं होगा। मंदिर में विशेष पुष्पों से रंगोली सजाई जाएगी। लगभग 1,000 स्वयंसेवकों की टोलियां दीप सजाने के लिए तैनात की गई हैं और गर्भगृह में विशेष दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। राजस्थान में 7 विधानसभा उपचुनाव के बीच झुंझुनू सीट से निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने विवादित बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि संविधान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर रोक नहीं है। गुढ़ा का यह बयान राजनीतिक माहौल को गर्मा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस साल की दिवाली खास है क्योंकि 500 वर्षों में पहली बार भगवान राम अयोध्या में अपने मंदिर में दिवाली मनाएंगे। उन्होंने इसे ऐतिहासिक अवसर पर बताते हुए सभी देशवासियों को इस विशेष उत्सव का हिस्सा बनने की खुशी जताई। लद्दाख के देपसांग और डेमचोक में भारतीय और चीनी सैनिकों की वापसी प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। दोनों सेनाएं अब समन्वित गश्त शुरू करेंगी। अस्थायी संरचनाएं हटाई जा चुकी हैं और वेरिफिकेशन प्रक्रिया चल रही है। अगले 2 दिनों में गश्त शुरू होने की संभावना है। इसराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में गाजा में इसराइल ने ताजा सैन्य कार्रवाई की जिसमें 34 लोग मारे गए जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एक साल में 43,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना ने 100 संदिग्ध हमास आतंकियों को पकड़ा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण दिसंबर में शुरू होगा जिससे यात्रा का समय 2.5 से 3 घंटे रह जाएगा। 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड जो राजाजी नेशनल पार्क से होकर गुजरता है वन्य जीवों को देखने का अवसर भी देगा। इस परियोजना का कुल खर्च 13,000 करोड़ रुपए है। अनिल देशमुख की पुस्तक डायरी ऑफ ए होम मिनिस्टर में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए हैं जिसमें जेल में दबाव बनाने का आरोप शामिल है। पुस्तक में उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों, अंटीलिया बम धमाके के संबंध और चुनाव के दौरान अपनी सफाई देने का प्रयास बताया गया है। सितंबर छमाही में भारत से एप्पल के आईफोन निर्यात में 1/3 वृद्धि हुई है जो 600 करोड़ डॉलर तक पहुंचा है। एप्पल भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रही है जिससे चीन पर निर्भरता कम हो रही है। हालांकि भारत में एप्पल के स्मार्टफोन मार्केट में केवल 7% हिस्सेदारी है। रेनबो फाउंडेशन इंडिया और एडूरिंग वेलफेयर फाउंडेशन ने दीपोत्सव के अवसर पर मुस्कुराहट स्नेह आमला टोला में रंगोली पेंटिंग और गुल्लक प्रतियोगिता का आयोजन किया। मुख्य अतिथि विधायक श्री गोपाल रविदास जी ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना की। पुरस्कार सागर श्याम और नैतिक ने जीते। नागपुर पुलिस ने विमान बम धमकियों के पीछे 35 वर्षीय जगदीश उड़के की पहचान की है। उड़के जो पहले आतंकवाद पर किताब लिख चुका है उसने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने और गुप्त आतंकी कोड की जानकारी देने का अनुरोध किया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बना रही है। दिवाली की तैयारियों के बीच भारतीय मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश की चेतावनी दी है। 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा हो सकती है। हालांकि दिल्ली और आसपास के राज्यों में मौसम साफ रहेगा जिससे वहां के लोग त्यौहार का आनंद ले सकेंगे। 10 वर्षीय अभिनव अरोड़ा जिसे स्वामी राम भद्राचार्य ने उस मंच से उतार दिया। अब अभिनव अरोड़ा की मां ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी की शिकायत की है। सोशल मीडिया पर उसके पिता के व्यवसाय के संबंध में आरोप भी लगे हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर में जारी सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। सोमवार को आतंकियों ने सेना के काफिले पर एम्बुलेंस से हमले की कोशिश की। बाद में मुठभेड़ में एक और आतंकी ढेर हुआ जो जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था। महाराष्ट्र के एक व्यक्ति को दहेज उत्पीड़न के झूठे आरोपों से शीर्ष अदालत ने बरी कर दिया है जहां वह 3 साल से जेल में था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों की सही जांच होनी चाहिए क्योंकि अक्सर परिवार को बिना सबूत सजा भुगतनी पड़ती है।
सोनू निगम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे स्टेज पर गाना गा रहे हैं, जबकि अफरा तफरी मची है। एक नशे में धुत व्यक्ति स्टेज पर चढ़ जाता है, लेकिन सोनू का गाना नहीं रुकता। सुरक्षाकर्मी उसे हटाने के लिए हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन सोनू निगम सुर में बने रहते हैं। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन भारत में अंतिम टेस्ट मैच से बाहर हो गए, जिससे वह टीम की पहली टेस्ट सीरीज जीत का गवाह नहीं बन सकेंगे। उनकी जगह रिहैब पर ध्यान देने का निर्णय लिया गया है, ताकि वह इंग्लैंड के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए फिट रह सके। 31 अक्टूबर 2024 को दीपावली का पर्व दुनिया भर में मनाया जाएगा। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शपिरो ने दिवाली को स्टेट हॉलिडे घोषित किया है, जिसे हिंदुओं की आस्था का सम्मान माना जा रहा है। इस कदम पर पाकिस्तानी युवाओं ने नाखुशी जताई, जबकि गवर्नर ने सांस्कृतिक समृद्धि का जश्न मनाने की बात की। अर्जुन कपूर ने हाल ही में मुंबई में एक पार्टी के दौरान घोषणा की कि वह सिंगल है। 2018 से डेटिंग के बाद अर्जुन का यह बयान वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने मजाक में कहा कि वह रिलैक्स है। आईएएस अधिकारियों का सबसे बड़ा पद कैबिनेट सचिव होता है, जो प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के सलाहकार होते हैं। उनकी जिम्मेदारियों में नीतियों का कार्यान्वयन, कानून व्यवस्था बनाए रखना और जनहित के मुद्दों पर निर्णय लेना शामिल है। आईएएस बनने के लिए यूपीएससी परीक्षा पास करनी होती है, जो चुनौतीपूर्ण होती है। सेंसर बोर्ड ने सिंघम अगेन से 7 मिनट 12 सेकंड का वीडियो हटाने का आदेश दिया है। इसमें भगवान राम, माता सीता और हनुमान के दृश्य शामिल थे। रावण के 16 सेकंड के सीन और अन्य विवादित दृश्यों को भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं। फिल्म का कुछ हिस्सा श्रीलंका में शूट हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी विधायकों की याचिका पर दिल्ली सरकार, विधानसभा स्पीकर, सीएजी और उपराज्यपाल कार्यालय को नोटिस जारी किया है। विधायकों का आरोप है कि मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा 12 सीएजी रिपोर्ट एलजी को नहीं भेजी गई है। अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। प्रियंका गांधी ने वायनाड में एक सभा में कहा कि उनके भाई राहुल गांधी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर संसाधनों का उपयोग किया गया है। उन्होंने वायनाड की जनता का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने कठिन समय में राहुल का समर्थन किया और उनके साथ खड़े रहे। दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी, लेकिन कई राज्यों में पटाखों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। दिल्ली में पूर्ण बैन है, जबकि पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु में भी सख्त नियम लागू हैं। दिल्ली में केवल ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति है, जो सीमित समय के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। केरल के कासरगोड जिले में एक मंदिर के पास उत्सव के दौरान पटाखों के स्टोरेज में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ। 154 लोग घायल हुए, जिनमें 8 की हालत गंभीर है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, जबकि जिला प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है। जया किशोरी ने गाय की चमड़ी से बने महंगे बैग के उपयोग पर सफाई दी है। क्लेमिंग की है कि यह कस्टमाइज फैब्रिक बेस्ड है। उन्होंने कहा कि यह बैग कई साल से मेरे पास है, यह आज का नहीं है। जया किशोरी ने यह भी आरोप लगाया कि यह कोई एजेंडा हो सकता है या फिर कोई पेड पीआर पब्लिसिटी हो सकती है। भारतीय वायुसेना को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL केवल 2 तेजस मार्क 1A जेट विमान ही सप्लाई करेगा। इस कारण अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की इंजन आपूर्ति में देरी है। भारत ने GE पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार जुर्माना लगाने की भी तैयारी की है। पीएम मोदी ने आयुर्वेद दिवस पर स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया और धनतेरस की बधाई दी। उन्होंने दिल्ली और पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों से माफी मांगी की और बताया कि वे उनकी सहायता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्थानीय सरकारें आयुष्मान भारत योजना में शामिल नहीं हो रही हैं, जिससे उनकी सेवा बाधित हो रही है। दिवाली से पहले आतंकी हमलों की धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। अयोध्या, उज्जैन और तिरुपति के मंदिरों को निशाना बनाया गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कड़ी जांच की जा रही है, जबकि अयोध्या में रामलला के दीपोत्सव की तैयारियां चल रही है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है संजीव कुमार, रामबाबू दास, नौशाद रजा, जितेंद्र ठाकुर, राकेश मिश्रा, सपना कुमारी और ओम प्रकाश। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि दिवाली पर पटाखों के प्रतिबंधों के बारे में आपका क्या विचार है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।